हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहा है सुबह के 9:30 और मम्मी अभी सुबह की पूजा कर रही है। तो झाड़ू पोछा सब हो चुका है घर में, नहा के भी मम्मी पूजा कर रही है फर्स्ट। उसके बाद मम्मी जाएगी उस कमरे में चाय बनाने के लिए और लंच की तैयारी करेगी। और वो देखिए हमारे नन्हे से बाल गोपाल जी बैठे हुए हैं और ये मम्मी आरती कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं उस कमरे में, चल के लंच की भी तैयारी करते हैं। आप सब दर्शन कर लीजिए बाल गोपाल जी के, कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे बाल गोपाल जी। तो उधर पूजा हो चुकी है, पूजा करने के बाद मम्मी ने मॉर्निंग की चाय बनाई है। तो अभी तो हमारी मॉर्निंग की चाय बन रही है और साथ में लंच की तैयारी चल रही है। तो मम्मी ने दो टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन ना जला रही है आग में। उसका आज है ना मम्मी को डिफरेंट तरह की चटनी बनाएगी। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक हो। तो आप घर पे सेफ रहना और ठीक रहना, क्योंकि कोरोना चल रही इस टाइम सबको ठीक ही रहना है। बाहर कोई जाना आना नहीं चाहिए, सब घर पे ही रहना, अच्छे से रहना, हम यही चाहते हैं आप लोगों से। तो बस मॉर्निंग पे मैं जो झाड़ू पोछा हो गया था और उसके बाद मैं पूजा कर लिया, फिर मैं किचन में आके चाय बनाया और मैं आपको दिखाया था टमाटर की चटनी बनाऊंगी नया। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखती हूँ कैसे बनते हैं। और उसके बाद मैंने आज बनाऊंगी लंच में मैं गोभी आलू की सब्जी और दाल। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मैं मतलब लाल मसूर की दाल मैंने दाल चढ़ा दिया वो रही कुकर में और गोभी आलू मैंने फ्राई भी कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही मैं गोभी की मैंने फ्राई कर लिया और ये देखिए आलू भी मैंने फ्राई कर लिया और ये देखिए टमाटर मैंने जलाया था उसको गैस पे, उसका छिलका उतार लिया। लहसुन भी मैंने जला लिया था उसका भी छिलका उतार लिया। हरी मिर्च को भी मैंने जला लिया और ये रही धनिया, हरी धनिया। तो इसको मैंने धो के अच्छे से मैंने इसके साथ इसका चटनी बनेगा, यह टमाटर के साथ ही डलेगा। धनिया अभी मैंने धोया नहीं, छाट के रखा, इसको धुलूंगी अभी मैं। ऐसे एक बार जब लाई थी दुकान से तब मैंने धो के ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि कोरोना चल रहा है मैं सारी सब्जी धो के ही फ्रिज में लगाती हूँ, फिर जब दोबारा बनाती हूँ एक बार और धो लेती हूँ मैं। तो बस, और ये देखिए कुकर में मेरा दाल है, अभी तक छौंक लगी नहीं। तो देखिए मेरे गोभी और आलू फ्राई होने के बाद मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया और उस जो आलू और गोभी को मैंने फ्राई करा था उस कढ़ाई में इतनी तेल बची हुई थी उसमें मैंने जीरा डाल दिया और जीरा मेरा चटक जाएगी तब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और जो सूखी मसाला ये भी सारा डालूंगी मैं। सिंपल सी सब्जी आपसे शेयर कर रही हूँ मैं और मेरा कुकर में दाल भी बॉयल हो चुकी है और इसमें मैं प्याज की छौंक लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा जीरा हो चुके है, मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए अभी मसाला डाल दिया मम्मी, इसमें ना सूखे मसाले डाल रहे हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सारा ये सब मम्मी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छे से पकाएगी मम्मी, उसके बाद इसमें टमाटर का पेस्ट भी ऐड करेंगे। ज़्यादा वैसे सब्जी नहीं है, सिंपल है, फिर भी आपके साथ रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। सिंपल सा लंच होगा पर आपको दिखा। ये देखिए हमारा आलू गोभी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। सिंपल सा लंच था इसलिए आपके साथ पूरा शेयर नहीं करा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाया। और ये दाल हमारी उबल चुकी है, इसमें अभी छौंक लगना बाकी है। दाल तो बस तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में तेल डाल दिया और 6 मिर्ची साबुत मिर्च और 1 मैंने प्याज बारीक करके काट लिया उसको मैंने डाल दिया। अब ये सुनहरे रंग का हो जाएगा फिर उसमें मैं दाल में पलट दूंगी। तो सिंपल सी दाल है और सब्जी भी मेरी सिंपल सी है इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करा, थोड़ा ही करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई, ये देखिए कितना अच्छा कलर है सब्जी का, आलू गोभी की बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हो। तो देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया और ये देखिए दाल मेरी आपको दिखाती हूँ, सिंपल सी दाल है, ये देखिए लाल मसूर की दाल है सिंपल सी। तो मैंने इसमें तड़का लगा दिया, अब थोड़ा पक जाएगा तब मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी फिर उसके बाद मैं गैस बंद। देखिए हमारा जो लंच बन गए सारे और अब हमारा रोटी बन रहे और रोटी पायल बना रही है, बस ये बनने के बाद उसके बाद हम लंच करेंगे। देखिए आलू की भुजिया बन रही है और पायल रोटी भी बना रही है। तो अभी थोड़ा सा आलू की भुजिया चाहिए होता है, दाल बनाते हैं ना मम्मी, तो मेरे भाई बहन बिना आलू की भुजिया के खाते नहीं है, दाल चावल और आलू की भुजिया। और ये देखिए ये मेरी बहन फिर से गोल गोल इंडिया का मैप बना रही है, इंडिया का मैप बना रही है।
तो लंच करने के बाद हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, तो अभी बज रहे शाम के 6 और हम लोग अब चाय बना रहे हैं शाम की। तो चाय पीने के बाद हम लोग डिनर की तैयारी करेंगे, तो अभी चाय पीते हैं उसके बाद हम डिनर में जो बनाएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। देखिए ये रही सब्जी मेरी, इसमें मैं सिर्फ एक प्याज डाला और जीरा और सिर्फ ऐसे करके बैगन को बनाया, बहुत ही अच्छा बन गए भरता टाइप का। तो बस मेरा बैगन बन चुके हैं और देखिए मेरे चावल, ये रही चावल, ये देखिए चावल भी बन गया और बस मैं अभी आटा गूंदना रह गया और सब्जी बनाना रह गया, तो ये काम भी मैं पूरा कर लेती हूँ। और वो भी सोयाबीन की जो रेसिपी है, मैंने 2-3 बार यूट्यूब में रेसिपी शेयर करा, आज मैं देखती हूँ शेयर करती हूँ या नहीं। सिंपल सी सब्जी है तो मैं देखती हूँ अभी। तो देखिए मैं सोयाबीन बॉयल करने के लिए रख दिया, तो देखिए मैं सोयाबीन को बॉयल करने के लिए रख दिया और ये मैंने आलू भी कट कर लिया, ये देखिए ऐसे करके आलू काटा मैंने, इसको धो के अच्छे से वॉश करके मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये रही मेरे अदरक लहसुन और ये रही मेरा प्याज जो मिक्सी में पीसूँगी मैं, और कुछ खड़े मसाला भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये देखिए पायल जो है ना आटा गूंद रही है, देखिए पायल आटा गूंद रही है। और इधर मैं सब्जी बनाऊँगी, तो ऐसे ना काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं तो हम ऐसे मिलकर कर लेते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहे तो घर में ही सब है, तो हम थोड़ा जल्दी काम करते सब मिलके। और दीपा जो है ना बाहर बर्तन धो रही है आज, उसको भी शूट करो, जाओ मेरे को शूट कर देना, उसको भी करना। तो देखिए ये रात का टाइम हो रहा है, रात का 8 बज रहा है, ये देखिए दीपा बर्तन कोई बात नहीं, रात को हर लोग और अपने अपने घर में तो खुद से काम करती है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं है, जो बर्तन धोने में कोई वो इज्जत घट जाएगी। अरे देखिए दोनों बच्चे मेरे शिवम और कृष्णा मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, दोनों माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, ये लोग माइनक्राफ्ट बहुत खेलते हैं, इनको बहुत पसंद है। और ये रही ज्योति, हेलो ज्योति, कुछ बोलना चाहते हो? ज्योति आप कुछ नहीं बोलेगी, बोल रहे थे पर भूल गए, फिर से याद आएगा तो बोलिए। मेरा सब्जी की जो है ना मसाला फ्राई कर रही है, अदरक लहसुन प्याज और वो खड़े मसाला जैसे लौंग इलायची दालचीनी काली मिर्च, ये सारा मैंने पेस्ट बना लिया, उसका मसाला मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ जब तक इसको तेल ना छूटे, फिर उसके बाद मैं टमाटर का भी पेस्ट डालूंगी। और इधर पायल रोटी बना रही है और ये देखिए दीपा आलू काट रही है भुजिया बनाने के लिए। मेरे दोनों बच्चे जो है ना ये आलू का भुजिया के बिना लोग खाना ही नहीं खाता, तो ये है पाया दीपा और इतने आटा गूंद के रखा और ये रही आलू काट रहे दीपा और ये बच्चे देखो बैठ के चिप्स खा रहे। बस मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। रोटी बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल गोल गोल रोटी बनाई है मैंने, लॉकडाउन में मैं रोटी बनाना फाइनली सीख गई। और ये सैलेड है जो काट के हमने रेडी कर लिया है, अब मेरी मम्मी पापा को खाना देने के लिए जा रही है, पापा आ गए मेरे ड्यूटी से, अब पापा को खाना देना, खाना दे दिया ज्योति खाना खा रही है और शिवम को कृष्णा को खाना देना है और दीपा को भी और ये रही पायल, अब मैं सबको दे देती हूँ, उनके पापा को दे दिया, पायल का मुँह दिखाती है पायल। तो ठीक है अभी हम डिनर कर लेते, आप भी आइए हमारे साथ डिनर कर लो, ठीक है? तो चलते। तो देखिए मेरी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी मैंने ऐसे बनाया, मैंने रेसिपी नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी बार बनाया है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो ये रही सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और ये रही मैं चावल और ये रही मेरे दीपा को मैंने खाना दे दिया और ये स्लाइड काट लिया और भी बच्चों को दे दिया। हमने अभी रात का डिनर कर लिया, उस डिनर के बाद जो हमारा घर का काम था, जैसे आप लोगों को पता ही है गैस साफ करना, बर्तन धोना और रात को जो हमारा पानी आते, जो रेंट पे हम रहते तो रात को 12 बजे हमारा पानी आते पीने वाला पानी, तो हमने पानी भी भर लिया, उसके बाद हमारा सारे काम हो चुके हैं। तो बस आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था, तो अगर आपको वीडियो आपको अच्छे लगे तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी करना और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बस आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही और मिलते कल नया वीडियो के साथ, नया सुबह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।